एनिमेशन कर रहे हैं तो एनिमेशन सबसे पहले तो होता कहाँ पर है, फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। तो विंडो में जाओगे, विंडो में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइमलाइन दिख रहा है, इस टाइमलाइन को ऑन करोगे इधर आ जाएगा। अभी क्या है, दो टाइप से एनिमेशन होते हैं इसमें। एक तो ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है थोड़ी सी टफ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ अभी तो ये हाईलाइट ही नहीं करेगा, कुछ रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी कुछ कैनवास खुला ही नहीं है, कुछ है ही नहीं सामने। जब तक फाइल ओपन नहीं करोगे आप, ये देखो जी अब आ गया। यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, ये आ गया इस मोड पे। दो मोड है, एक तो ये जो चल रहा है आप, ठीक है, दूसरा हम यहीं पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, यानी कि इसे स्विच करेंगे। तो ये देखो ये वाले पे मोड पे हम काम करेंगे, ठीक है। ये फ्रेम्स होते हैं, इन्हें फ्रेम बोलते हैं हम। यहाँ से भी आप ले सकते हो डुप्लीकेट फ्रेम, जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर लेते थे, क्रिएट अ न्यू लेयर, उसी तरीके से यहाँ पे होता है डुप्लीकेट फ्रेम। आइकन लगभग सेम है लेकिन नाम चेंज है। अब ये काम कैसे करता है भाई, काम ऐसे करेगा कि इसको सपोज मैंने अभी यहाँ पे एक लेयर ले रखी है, मैंने इस पे कलर फिल कर दिया रेड कलर, ठीक भाई, इसे कंट्रोल टी और इसे छोटा कर दिया, ठीक है। यहीं पे गया, इतना पार्ट इसे ले लिया, इतना पार्ट इसे ले लिया, ये कर दिया जी काम, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट लिया, ये हमारा बैकग्राउंड सेट हो गया। सपोज एक और लेयर ले लेते हैं। अच्छा, मैंने सिलेक्शन लिया, मुझे इसके आउटसाइड में कलर करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई, देन यहाँ पे ब्लैक कलर भी आप डाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है, या दूसरा कलर डाल। अब ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, तो अब मुझे इसके बीच में टेक्स्ट लिखना है, तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, सपोज वाइट। फिलहाल यहाँ पे हमने लिख दिया जी क्रिएट मल्टीमीडिया, कंट्रोल टी से थोड़ा सा बड़ा किया बीच में, ठीक। अब मुझे इसमें एनिमेशन बनाना है, तो एनिमेशन बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लेयरें ले रहा हूँ। जैसा कि मैंने एक लेयर ली, अब मैं यहाँ पे तीन लेयर ले रहा हूँ, मैंने तीन लेयर ले ली। अब तीन लेयर लेने के बाद हर लेयर पे मैं अलग अलग कलर फिल करने वाला हूँ। जैसे एक पे मैंने ब्लू कलर डाल दिया, ये देखिए, ठीक, इसको मैंने हाइड कर दिया तो फिर वाइट हो गया। फिर सेकेंड लेयर पे आया और इस पे मैंने येल्लो कलर दे दिया इस तरीके से, ठीक, येलो, फिर इसे हाइड कर दिया तो वाइट। तो हमारे पास तीन कलर बन चुके हैं जी, एक दो तीन। अभी जब मैं चला रहा हूँ तो मुझे हाइड करना पड़ रहा है, ऐसे कर रहा हूँ तो भी चल रहा है एनिमेशन, ये देखो, बट मुझे हाइड करना पड़ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रेम पे वर्क करूँगा। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे तीन लेयर ले रखी है अलग अलग टेक्स्ट की, उसी तरीके से आप यहाँ पे तीन फ्रेम लोगे अलग अलग, तीन फ्रेम यानी कि तीन कलर डालने के लिए। अब कैसे डालूंगा, सपोज फर्स्ट वाली जो लेयर है, फर्स्ट वाली जो फ्रेम है, उस पे मैंने ब्लू कलर लगा रखा है, ठीक। जैसे ही मैं सेकंड फ्रेम में जाता हूँ, पहला वाला फ्रेम मेरा लॉक हो जाता है। लॉक इन द सेंस कि अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा कलर फिक्स हो चुका है। जो भी आपने इस पे काम किया है, यानी कि जो भी आपने लेयर को हाइड किया है, अनहाइड किया है, जो भी काम है, वो लॉक हो चुका है, उसे आप भूल जाओ। सेकेंड फ्रेम में आप जो भी काम करोगे, सपोज मुझे ये हाइड करना है, मैंने ब्लू कलर को हाइड कर दिया, तो अब येल्लो कलर आ गया, तो यानी कि अब फर्स्ट वाले में जाऊंगा तो पहले वाला मेरा एज इट इज रहेगा, सेकेंड वाले पे फिर येल्लो, फिर थर्ड वाले पे गया तो पहले जो दो फ्रेम थे वो मेरे लॉक हो चुके हैं दोबारा से। और अब मैं इस वाले फ्रेम में जो भी काम करूंगा, यानी कि मैंने दोनों को हाइड कर दिया, तो अब ये वाइट यहाँ रह गया। अब ये तीनों में अलग अलग कलर हो गए। अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये कितने सेकंड ले रहा है, नीचे लिखा हुआ है 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड के बाद ये अपने आप चेंज हो जाएगा। लेकिन 5 सेकंड थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करोगे, यानी कि एक पे सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा के एंडिंग पे करोगे तो सारे के सारे सिलेक्शन हो जाए। वंस अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इसी के जस्ट 5 सेकंड जहाँ पे लिखा है, और मैंने कर दिया जी इसे 0.1। प्ले करके देखते हैं, ये देखो थोड़ा सा हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं 0.5 जी। लेकिन जब मैं इसे चला रहा हूँ तो ये एक ही बार चल रहा है, क्योंकि नीचे हमारा लिखा पड़ा है जी वंस। इस वंस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा फॉर एवर। अब ये जब तक कि मैं इसे रोकूंगा नहीं, ये
चलता रहेगा, समझ लो। ये देखिए, ये हमारा एनिमेशन काम कर रहा है, समझ रहे हो ना, इस तरीके से फोटोशॉप में काम किया जाता है।